आप लोग टोक्यो से वापस आने के बाद कुछ दिन तो मालाएं वालाएं पहने में गया होगा है ललित, क्या हुआ फिर आकर के, क्या किया? काफ़ी अच्छा रहा सर, मतलब बनारस में इतना लोगों ने प्यार दिया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सर हॉकी इतना ऊपर आई, स्पोर्ट्स इतना ऊपर आई और इसलिए लोगों का ज़्यादा प्यार लगा और देश के लिए मेडल भाग हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि आपने सर जो हमारे ड्रेसिंग रूम में फ़ोन करके हम लोगों को इतना हम लोग का मनोबल बढ़ाया हारने के बाद, और सर उससे बाद बहुत जोश आया सर। मेरी काशी का क्या हाल है सर? बहुत ही अच्छा है, महादेव का कृपा है सर, और आपने तो उसमें सर चांद चांद लगा दिए हैं। जी मैं कल ही होके आया सर वहाँ से दर्शन करके, और जो कल तो भीड़ बहुत थी, बोल रहे हैं। लेकिन सर अब थोड़ा सा वहाँ पे इतना लोग जानने लगे हैं कि दर्शन हो जाता है सर। सबसे पहले नमस्कार सर, विवेक चिकारा मेरठ से ही आता हूँ। तो हमारे क्षेत्र में यूनिवर्सिटी बन रही है, धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को भी, आपको भी। तो बहुत अच्छा है, आने वाले खिलाड़ियों के लिए बहुत मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। जो लोग दिल्ली जाके या सोनीपत जाके प्रैक्टिस करते थे, यहाँ से निकलते थे यूपी से दूसरे स्टेट्स में खेलते थे जाके, वो यहीं पे रुकेंगे और मेडल्स यहाँ से जो वेस्ट यूपी है वो हरियाणा की टक्कर लेगा सर आने वाले सर। पक्का सर, हरियाणा की टक्कर ले रहे हैं, दूरिया की टक्कर नहीं सर। जो मेडल्स की अगर गिनती करते हैं जैसे हरियाणा और यूपी में अगर होता है सर, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो आज पूरा किया है। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, मैं जब मेरा ढाऊंगा तब तुम्हें मिलूंगा। सर उस दिन से मुझे अभी तक नींद नहीं आई है कि मुझे आपसे मिलना है। अब जाके आराम से प्रैक्टिस करूंगी सो के अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सर आपने अभी तक। घर आने के बाद वापस कैसा लगा, मेरठ आने के बाद कैसा? सर दिल्ली जब लैंड हो रही थी ना फ्लाइट को, पेड़ देख के लगा कि हाँ अपने इलाके में आ गए तो बहुत अच्छा लगा सर। प्रियंका की एक शिकायत थी, वो ऐसे खेल में है उन्हें कुछ देखने वाला ही होता नहीं है, कुछ ताली बजाने वाला होता नहीं है। लेकिन मेरठ पहुंचने के बाद लोगों ने बराबर तालियां बजाई थे। हाँ सर, यहाँ पे तो पहले से मतलब ओलंपिक खेल के आए थे तब से काफी सम्मान मिल रहा है और मतलब बहुत लोग जान रहे हैं पूरे इंडिया में कि हाँ हम लोग ओलंपिक्स खेलने गए थे। पहले मतलब खेल के आ जाते थे, पता नहीं रहता था कि कौन ओलंपियन है। अभी मोहल्ले वालों को भी पता है कि हमारे मोहल्ले की लड़की ओलंपिक्स जाके आई है, क्योंकि ऊपर से हमें इतना सम्मान मिल रहा है तो सबको उसका पता चल रहा है। मैं गांव में गई तो गांव में सब बच्चे पूछते हैं कि हमें भी आर्चरी करनी है, हमें भी आर्चरी। तो सर अब मैं उनको बता दूंगी कि हमारे इधर ही यूनिवर्सिटी खुल गई है और आप अच्छे से कर सकते हो। तो सर लोगों के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है। मतलब पहले ऐसे होता था कि जो मेडल लेके आते थे मतलब उन्हीं को जानते थे, उन्हीं को मतलब सपोर्ट मिलता था। लेकिन पहली बार सर ऐसे हुआ है कि मतलब हम लोग मतलब सभी जानते हैं, सपोर्ट मिलता है। जब हम वहाँ पे थे तो मतलब हमें बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब हम लोग भी सर मेडल की होप लेके गए थे, मेडल लेके नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पे आए थे, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया सर, इतना प्यार मिला। हमारे दिमाग में से मेडल नहीं जाता। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप लोगों का वहाँ पहुँचना यही बहुत बड़ी विक्ट्री है। जैन सर कैसे हैं आप? मैं वैसा ही हूँ। सर हमेशा ऐसे ही रहिए और हमें हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। सर बहुत खुशी हुई कि जैसे हमारा कॉन्फिडेंस, सर खिलाड़ी का सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। खेल तो वो घर पे भी खेल लेता है, प्रैक्टिस अपने ग्राउंड में भी कर लेता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होती है वो उसको वो करने देती है जो वो करना चाहता है। तो जैसे आपने हमारा सर कॉन्फिडेंस बना के यहाँ से भेजा था और हम आने के बाद आप हमसे मिले सर, हमें आशीर्वाद दिया, हमारा वैसे अभी भी कॉन्फिडेंस वही हमारा जो आपने इंजन स्टार्ट किया था, तो हम लोग अभी भी वही हमारा इंजन स्टार्ट है। आशीर्वाद देते रहें सर माननीय मुख्यमंत्री जी और आप भी सर, सभी लोग हमें, और बस हम लोग ऐसे स्टार्ट रहें और अपने देश का प्रदेश का मान बढ़ाते रहें। पहले सर पैरा को सर पहले इतना नहीं देखा जाता था कि पैरा भी कोई चीज़ होती, पहले वैसे मतलब गाँव में ही पूछते थे ना कि क्या करते हो क्या खेलते हो, तो हाई जम्प, तो पहले बोला जाता था कि हाई जंप का कोई फ़ायदा नहीं, जॉब वॉब लो या फिर उसमें रेलवे की जॉब ले लो, उसमें कोटा मिल जाएगा वो कर लो। लेकिन अभी ना बहुत सारे जो विकलांग भी हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी आगे जाएं, आगे बढ़ खेलें। ये सर आपकी वजह से सर हो पाया है कि आप सब जानने लगे हैं। सर प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती है और पहले के मुकाबले अभी जो हाई लेवल के कोचेस हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं सर, वो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है। अभी तो आप नेशनल का लेके के बैठे हो आप लोग? जी सर नेशनल का लेके बैठे हैं, अगर आपका आशीर्वाद रहे तो इंटरनेशनल का भी लेके बैठे। मुझे पक्का भरोसा है जी, मेरे आशीर्वाद से नहीं आपकी मेहनत से होने वाला है।
देश भी काफी ये यूनिवर्सिटी बनेगी तो क्या होगा, क्या लगता सर? यूनिवर्सिटी बन रही है, ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है सर। यहाँ से सीधे यहाँ पे सर हाई लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी और इस यूनिवर्सिटी से सर डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करेंगे लड़के। अच्छा सुभाष बताइए क्या प्रगति हो रही है? उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी सर एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, पैरालंपिक हो, ओलंपिक हो, हम सब खिलाड़ी सर वहाँ हम पार्टिसिपेट भी किए, पदक भी जीत के आए सर। बहुत सारे अभी जो युवा है सर, पेरेंट्स आके पूछते हैं सर कि हमारे बच्चों को भी कि खेल में हम भी कैसे करें। आपने सर दो सीडी दी है, खेलो इंडिया और टॉप्स, हम उसके बारे में सर सुनाओ उनको गाना, हम होंगे कामयाब। सर बिल्कुल सुनाते हैं और बहुत लोग खेल के प्रति इच्छुक हो रहे हैं सर। सुभाष मुझे कह रहा था मैं इंस्पिरेशन कहाँ से आया, तो बोले बचपन में मैं हम होंगे कामयाब गीत सुनता था। सर अभी भी याद है सर, जब मैं गोल्ड को हारा था सिल्वर जीता था, थोड़ा मैं गमी में था, बट आपका फोन आया तो मुझे लग रहा सर वो गमी भी भूल गई, तो अभी भी आपको देख के सर ऊर्जा कई गुना हो जाती है सर। अच्छा ये मुझे बताइए खिलाड़ी है, मैंने आप लोगों को एक काम कहा था, वो किया क्या याद है कि मैंने क्या काम कहा था? हैं कौन बताएगा? प्रवीण याद है कुछ? भूल गए। ललित बताओ क्या काम कहा था? ओलंपिक आने के बाद जितने भी स्कूल्स हो सके ज्यादा से ज्यादा जाएं और आपका जो मैसेज है और लोगों को एक एक्सपोजर मिले कि हाँ स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन करें। ये वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल हो रहे हैं, आप लोग 75 स्कूल में जाइए, और अभी नहीं पेरिस जाने से पहले 75 स्कूल कर लीजिए, और 75 स्कूल में जब भी मौका मिले जाकर के बच्चों को न्यूट्रिशन के विषय में बताइए, फिटनेस के विषय में बताइए, एक्सरसाइज करने के लिए समझाइए। ये बात हुई थी ना, आज पूरे देश में सचमुच में बच्चे आप लोगों को हीरो मानते हैं, तो आपसे इंस्पायर होते हैं। पहले सिने कलाकारों का जो स्थान था उससे ज्यादा आज आप लोगों का है। कोई भी खेल कूद में अच्छा करता है बच्चों का मन करता है उसके विषय में जानना, उससे जुड़ना, ये आप लोग भी अनुभव करते होंगे, ऐसा ही अनुभव आ रहा है ना। स्कूलों में जाएंगे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको भी फिटनेस के लिए थोड़ा जागरूकता आएगी, क्या खाना और क्या न खाना दोनों सिखाना है उनको। मैंने आप लोगों को कहा था पेरिस जाके आए, मैंने कोचिज को भी कहा था और आप लोगों को कहा था, आपको लगता है कि खेल कूद की व्यवस्थाओं में, ट्रेनिंग में, साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड की जो लड़ाई रहती है उसके, अगर आपको अनुभव के आधार पर लगता है कि ये होना चाहिए या ये प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा था मुझे लिख करके भेजिए। आप लोग फील्ड में है, आपको ज़्यादा जानकारी है, हम लोग आपकी तरह खेल की दुनिया से नहीं निकले हैं, तो आप खुद बताओगे कि आपकी ये तकलीफ है, ये बदलाव होना चाहिए, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, हमारे पास जो साधन है वो ऐसे होने चाहिए, तो मैं पक्का मानता हूँ कि इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि अभी मूड है, सरकार का भी मूड है कि भाई चलो ये जो बच्चे इतना काम कर रहे हैं ये चिंता करो, पहले का समय चला गया है, लेकिन अब सरकार अपने तरीके से करेगी और आपकी जरूरत के हिसाब से करेगी, तो दोनों में फर्क होगा। आपको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद दोस्तों।